Hi friend, today I am going to discuss about electrostatics. First of all, what is electrostatics? Electrostatics consists of two words, electro plus statics. Electro means charges and statics means rest. Charges at rest called electrostatics. In electrostatics, first of all I am going to discuss about Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law states that the magnitude of the force between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Coulomb's law क्या है? Coulomb's law क्या है? Charge of मेरा जो है q product of the q1 q2 I और inversely proportional to separation of two charges. तो मेरा ये finally जो a equal to आया k q1 q2 divided by r square आ गया. इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखें कूलम्स लॉ को तो मेरा इस प्रकार होगा ए टू वन इक्वल टू के क्यू वन की टू डिवाइडेड बाय आर टू वन का मॉड स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर टू वन. जब आर टू वन को ओपन करेंगे तो मेरा आर टू वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर टू वन, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू वन की टू डिवाइडेड बाय आर टू वन डिवाइडेड बाय आर टू वन का होल क्यू. एफ टू वन क्या है? एफ टू वन है, एफ टू वन इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू क्यू वन. चलिए अब कूलम्स लॉ को इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि चलिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ. उसमें मैं क्यू वन क्यू टू चार्ज को ओरिजिन से मैं मिला दिया, आर वन से आर टू से, और ये सेपरेशन ऑफ द क्यू वन क्यू टू जो है मेरा आर टू वन है. चलिए थी आर लेट आर वन आर टू रिप्रेजेंट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द टू पॉइंट चार्जेज एंड क्यू वन क्यू टू रिस्पेक्टिवली. आर टू क्या है मेरा? अकॉर्डिंग टू लॉ आर वन प्लस आर टू वन और आर टू वन इक्वल टू आर टू माइनस आर वन. जब हम आर इसको एल एच साइड लाएंगे आर टू वन इक्वल टू आर टू माइनस आर वन. फाइनली जो मैं ए टू वन को मैं आर टू वन को जब मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरा ये पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में मेरा आ गया क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर टू वन माइनस आर को होल क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन. चलिए अब इसी कूलम फॉर कूलम लॉ को जो है कूलम फोर्स को मैं सी जी एस सिस्टम में मैं लिखता हूँ. सी जी एस इस सिस्टम में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? द कॉन्स्टेंट के इक्वल टू जो वो है उसको वन बाई के मान लेंगे. तो इसको के जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन बाई के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू वन का मॉड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर. जब यूनिट वेक्टर को मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा? आर टू वन डिवाइडेड बाई आर टू वन इंटू आर टू वन का मॉड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा. इसी आर टू वन को जब मैं पोजिशन वेक्टर में को मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? वन बाय के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर टू वन माइनस आर वन का होल मॉड का होल क्यू. अब चलिए फोर के इक्वल टू क्या है? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वैक्यूम क्या और स्पेस के इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन. तो मेरा एफ टू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू वन का मॉड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर. फिर इसको मैं जब ओपन करूँगा तो क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू वन डिवाइडेड बाई आर टू वन का मॉड क्यू. जब आर टू वन को मैं पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में इसको मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन. ठीक है. इन द सी जी एस सिस्टम द फोर्स इज मेजर्ड इन डाइन्स एंड डिस्टेंस इन द सेंटीमीटर एंड चार्ज इन ईएसयू एंड और स्टेट कूलम. चलिए अब कूलम्स फोर्स को जो मैं ए साइज सिस्टम को मैं लिखता हूँ. कूलम के इक्वल टू ए सिस्टम में के इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन एयर की एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एनी मीडियम. ए टू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर टू वन का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर. जब यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो मेरा कितना? वन बाय फोर एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू इंटू वेक्टर आर टू वन डिवाइडेड बाय आर टू वन का मोड क्यू. जब इसी को मैं पोजिशन वेक्टर के टर्म में रिप्लेस करूँगा आर टू वन को तो मेरा कितना हो जाएगा? वन बाय फोर फाइव एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू डिवाइड इंटू आर टू वन माइनस आर वन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन का होल क्यू. ये मेरा एसआई सिस्टम में था. फॉर ए वैक्यूम और फ्री स्पेस ई आर इजकल टू कितना हो जाएगा? आर वन हो जाएगा. एब्सिलॉन इजकल टू कितना हो जाएगा? एब्सिलॉन नॉट इंटू एब्सिलॉन आर इजकल टू कितना? वन. तो बचेगा मेरा वन बाई फोर एब्सिलॉन
K2 डिवाइड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जब मैं ओपन करूँगा तो मेरा ये देखिए मेरा जो ये एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन को मैं जब पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्लेस करूँगा तो मेरा 1/4 π ln Q1 K2 इंटू R2 - R1 डिवाइडेड बाई R2 - R1 का होल क्यूब, अवेयर R21 = R2 - R1। और ये मेरा 1/4 π ln कितना आ जाएगा, 9 इंटू इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻½ कूलम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए जब मैंने ए साइज सिस्टम में लिखा तो ये मेरा 1/4 π ln एक्स्ट्रा आ गया, वहाँ मेरा जब CGS सिस्टम में लिखा था तो यहाँ मेरा क्या था Q1 Q2 × R2 - R1 डिवाइड बाई R2 - R1 का होल क्यूब। चलिए मैं अब देख लेता हूँ कि लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ क्या है। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज एंड स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द चार्ज एट रेस्ट। एंड सेकेंड इसका लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ इज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ के बारे में बताऊँगा और इसी को मैं एक्सटेंड करूँगा, और हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपके तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इस इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के कोर्स को आप कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फॉर अटेंशन।